आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मीडिया से हुए रूबरू। कहा 9 जून तक प्रदेश के अंदर 48,85,366 मीट्रिक टन गेहूँ की गई है रिकॉर्ड खरीदारी। 15 जून तक 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदारी का है लक्ष्य। जिले में पशु तस्करों का बढ़ा आतंक, पशुपालकों पर कर रहे हैं हमला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, महानगर में बैरिकेडिंग लगाकर कराया जा रहा है चेकिंग अभियान, तस्करों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। कोरोना की दूसरी लहर पर बोले प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कहा 30 अप्रैल तक प्रदेश में कोरोना के रहे 3,10,000 केस। प्रदेश सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से संख्या घटकर पहुंची 12,243। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी जनपदों में बच्चों के लिए बनाए जाएंगे 50 बेड के पीकू। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने शुक्रवार को किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरगावा का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुई गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक। कहा गेहूं खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जनपद में 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 6 ग्राम प्रधान और 6 बीडीसी सदस्यों का 12 जून को होगा उपचुनाव। एसएसपी ने कहा, सुरक्षा के हैं व्यापक इंतजाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना से हुई शिक्षकों की मौत के बाद उनके परिजनों को विभाग में नौकरी देने के संबंध में की गई चर्चा, जल्द से जल्द नौकरी देने के दिए निर्देश। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर अधीक्षकों एवं सफाई सुपरवाइजरों की बैठक। कर वसूली बढ़ाने और सफाई के लिए लागू बीट प्रणाली व सल्ट निस्तारण के दिए निर्देश। जंगल की निगरानी करने के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीकी के सहारे तस्करों से करेगी मुकाबला। वन सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराया गया स्मार्ट स्टिक, शॉक देने के साथ खतरे की स्थिति में बजने लगेगा सायरन। वनों में लगाए जाएंगे वीडियो कैमरे। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,141। अब तक 807 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 464 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम के उपसभापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक। निगम की गाड़ियों के रख रखाव के संबंध में हुई चर्चा, बनी रणनीति। महानगर के पुरदलपुर वार्ड में 20 सीटेड सार्वजनिक सुलभ शौचालय का महापौर ने किया लोकार्पण। कहा स्वच्छता को मिलेगा बढ़ावा। शुक्रवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 64 बूथों पर 10,625 लोगों ने कराए कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, वैक्सीन की नहीं है कमी, अवश्य कराएं टीकाकरण। शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का पुलिस करा रही है कड़ाई से पालन। एसएसपी ने कहा, शनिवार और रविवार को रहेगा साप्ताहिक बंदी। और मॉनसून के पहले ही मौसम ने बदला अपना रंग, उमस और गर्मी से बेहाल रहे लोग। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, बास गांव में बिजली गिरने से हुई एक व्यक्ति की मौत। अगले 2 दिनों में बारिश की है संभावना।